का। पीएम मोदी की मां के निधन पर भावुक भाजपा कार्यकर्ता, पूरे देश में शोक की लहर। सड़े चावल की तहरी खाने से 16 बच्चे बीमार, एसडीएम सदर ने परिजनों ने की है शिकायत। युवा चित्रकार ने पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी, दीवार पर कोयले से पीएम मोदी की मां हीरा बा का चित्र बनाया। सड़क हादसे में कर्मचारी की मौत, मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन, मानसिक रोगियों की गई है जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। अमरोहा के निवासी युवा चित्रकार जुहैब खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा के निधन पर दीवार पर कोयले से चित्र बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा चित्रकार जुहैब खान समाज में घटित घटनाओं पर चित्र दीवार पर बनाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दीवार पर उनकी तस्वीर उकेरी है। मेरा नाम जुहैब खान अमरोही है, मैं उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं समय समय पर समाज में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ, क्योंकि आज एक दुखद खबर हम तक पहुँची है। श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ है, जिस संबंध में मैंने उन्हें कोयले से तस्वीर बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरोहा के कटाई मिल स्थित कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविलास गोला ने के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा नेता राम निवास गोला ने कहा कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, दुख की घड़ी में पीएम मोदी के साथ हैं। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबेन जी का स्वर्गवास हो गया है। आज पूरा देश शोक की लहर में है। पूरा देश श्रद्धा सुमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज मेरे कैंप कार्यालय कटाई मिल पर भी रजबपुर मंडल की ओर से शोक सभा व्यक्त की गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बांदा के बबेरू कस्बे में दर्जनों भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, विधानसभा के नेता अजय सिंह पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के स्वर्गवास के बाद की सूचना मिलते ही यहाँ बबेरू मंडल में शोक सभा की गई और यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद थे। शोक की लहर है, उस लहर पर आज बबेरू मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के और पूरे जो आस्था रखते हैं माननीय मोदी जी से माँ की श्रद्धांजलि सभा यहाँ की गई, शोक सभा की गई और माँ के चरणों में श्री चरणों में पुष्पांजलि करते हुए ये कार्यक्रम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां श्रीमती हीराबेन जी का आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उनका वो लोकवासी हो गई। यह संपूर्ण देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि मां तो मां होती है और वो मां जिसने इस विश्व को, भारत ही नहीं इस विश्व को, एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जिसके मार्गदर्शन पर संपूर्ण विश्व गौरवान्वित है और संपूर्ण भारत उसे गौरवान्वित है। हम उस माँ को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों पर स्थान दे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी की माता जी का हम लोगों को समाचार परसों मिले कि अस्वस्थ हुई हॉस्पिटल में, तो हम लोगों को लगा कि प्रभु से हम लोगों ने प्रार्थना की कि ठीक हो जाए, लेकिन आज ये दुखद समाचार मिले कि वो जो है 6:06 में जो है वो चली गई, ख़त्म हो गई, इनका देहांत हो गया। तो उन्हीं के शोक सभा हम बबीरू मंडल में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सभी देव कार्यकर्ता मिलके शोक सभा कार्यक्रम मनाया और जो है स्थान माँ मढ़ीदाई मरीज हाल में, जिसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देश दिए हैं कि एके शर्मा ने सभी निकाय अधिकारियों को शहरी व्यवस्था, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा व्यवस्था, कलेक्शन और निस्तारण पर बेहतर काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश को एक यूनिट मानकर नगरीय व्यवस्था और वातावरण को गुड टू ग्रेट बनाना है। G20 की बैठक वाले 4 शहरों में कर्मियों के डिजिटल साइन कराने को कहा गया है। साथ ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों को इंटरनेशनल स्तर के तथा छोटे शहरों को नेशनल स्तर की व्यवस्था से युक्त बनाना है। शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, मशीन और मैन पावर का सामंजस्य करते हुए आगामी माह से 75 दिन 75 जिले अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडरों को कूड़ादान रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में फायर सर्विस के लिए 220 रिक्रूट फायरमैनों की पासिंग आउट परेड पुलिस लाइन में संपन्न हुई है। मार्च पास्ट और फिर शपथ ग्रहण के साथ 220 रिक्रूट फायरमैन अग्निशमन विभाग के बड़े में शामिल हो गए हैं। बता दें कि दीक्षांत समारोह परेड में कुल 50 रिक्रूट फायरमैन शामिल हुए हैं, तो वहीं मुख्य अतिथि गाजियाबाद के DM राकेश कुमार सिंह ने परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। समारोह में DM ने रिक्रूट फायरमैनों को कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया है। कार्यदायी संस्था को जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जूनियर सीनियर रेजिडेंस और OPD और IPD भवन निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते जाने की बात भी कही है। जिलाधिकारी के निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले जिला अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने बारीकी से कार्य को देखते हुए कार्यदायी संस्था को जनवरी तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ठेकेदार से सख्त लहजे में कहा कि जब बजट का आवंटन हो गया तो निर्माण कार्य समय से पूरा क्यों नहीं किया गया। इस पर ठेकेदार ने निर्माण कार्य मार्च तक पूरा करने की बात कही है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और जूनियर सीनियर रेजिडेंस पर OPD और IPD भवन के निर्माण को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। अनुमोदित की गई है 212 करोड़ की है, और इसमें आज हमने मेन OPD बिल्डिंग देखी है, IPD बिल्डिंग देखी है, और नर्सेस हॉस्टल जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए बन रहे हॉस्टल्स को देखा मैंने। काम चल रहा है और मेन OPD बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, बाकी अन्य 2 बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है। राजकीय निर्माण निगम जो यहाँ की कार्यदायी संस्था है, उसे कहा गया है कि काम जो निर्धारित अवधि है उसमें पूरा करें और कार्य पूर्ण करने के साथ साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। खासकर जो बिजली के उपकरण लगाए जा रहे हैं, लकड़ियाँ जो इस्तेमाल की जा रही हैं, और जो वाटर ट्रीटमेंट का काम किए जा रहे हैं, जो वाटर सप्लाई के लिए काम किए जा रहे हैं, उसमें विशेष। हरदोई में शिवपाल सिंह जन कल्याण संस्थान ने शुक्रवार को मंगली पूर्वा रेलवे फाटक स्थित मिशन आत्मसंतुष्टि कार्यालय का मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। मानसिक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंशु सूरी ने मानसिक रोगियों की निशुल्क जांच किया। संस्थान के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह ने बताया कि शिविर के तहत अन्य जनपदों के मरीजों को दवा परामर्श और जांच निशुल्क प्रदान किया गया है। के तहत इंदु सूरी जी लगातार कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ हर महीने एक कैंप लगता है, जिला चिकित्सालय की टीम आती है। इस बार जो है ये नशा छोड़ने के बाद या मानसिक जो रोगी हैं उनको स्वस्थ होने के बाद अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी दिनचर्या में कैसे बदलाव लाना है और कैसे आगे जाके ये एक अच्छे काम में व्यस्त रहें, इसी के तहत लिफाफे बनाने का इनको ट्रेनिंग दी जा रही है इंदु सूरी जी के द्वारा, और तमाम ऐसे छोटे छोटे चीज़ें टिप्स दिए जा रहे हैं
कि जिससे भविष्य में लोग नशा भी ना करें और जो मानसिक बीमार हैं उनका भी अन्य चीजों से दिमाग भटक के सीधे काम पे दिमाग लगे। क्योंकि हमारी संस्था लगातार ऐसे लोगों पे काम कर रही है पिछले कई वर्षों से, उसी के तहत ये प्रोग्राम आज रखा गया है। जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हम लोगों ने इन लोगों को जो नशा जो कर रहे हैं उसके बारे में इन लोगों को जानकारी दी कि जो नशा से ये लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या चीजें ये लोग खो रहे हैं। तो इस बारे में जब हम विषय में बात कर रहे थे तो इन लोगों को बताया गया कि उससे आपने परिवार खोया, आपने आर्थिक तंगी देखी, आपने समाज में अपना नाम खोया, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत चीजें पीछे होते चले गए। इसके साथ साथ हम लोगों ने इन लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जानकारी दी और अभी हम लोग उसके बारे में काम भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग लिफाफा बनाना सिखा रहे हैं ताकि ये लोग कोई एक ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों और ये लोग अपना जब यहाँ से टर्मिनेट हों तो या ये लोग अपना जो बाहर काम कर सकते हैं कोई ऐसी स्किल्स ये डेवलप करके जाए। खबर कानपुर से, जहां शीतलहर बढ़ने से एंजाइटी श्वास हृदय से संबंधित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर विनय कृष्ण ने बताया कि सर्दी के बढ़ रहे तापमान, प्रदूषण और दिमागी प्रेशर से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासकर कि वर्तमान में युवा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि खाने पीने में नियंत्रण रखने और सुबह टहलने वालों से दोपहर में टहलने की नसीहत दी गई है। सर्दी में जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और गर्मी में फैल जाती हैं। ये आपने देखा होगा कि किसी के अगर हाथ को गुनगुने पानी में डुबाया जाए तो हाथ दिखने में लाल लाल दिखने लगता है क्योंकि नसें फूल जाती हैं। उसके विपरीत सर्दी में नसें सिकुड़ जाती हैं। तो जिन लोगों के पेशेंट्स के आर्टरीज में रुकावट है किसी प्रकार की 30-40-50% की, तो वो जब सिकुड़ेगी नस तो रुकावट और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। ये टेक्निकल कारण है कि सर्दी में सभी इस प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं, चाहे वो एंजाइना हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो। इवन जिसके पैर में या हाथ में ब्लड सप्लाई कम है उनके भी सिम्टम्स सर्दी में बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर कानपुर नगर निगम में शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी वार्डों के पार्षदों ने प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि मां के निधन पर भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों को जारी रखा और पार्षदों कर्मचारियों को पीएम मोदी की प्रेरणा पर जनहित कार्यों का संचालित करने की प्रेरित करती है। खबर फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 58 ACTL कंपनी के कार्यरत कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बादशाह खान में मृतक का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को कंपनी के बाहर रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। ठेकेदार पर ESI PF लेबर एक्ट के उल्लंघन और परिवार को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मृतक के परिजनों को शांत कराया। शव का दाह संस्कार भी कराया गया। मैनपुरी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सकुशल संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में तहर PRV अधिकारियों कर्मचारियों ने शहर विभिन्न क्षेत्रों में स्टार लगाकर सेल्फी पॉइंट लगाकर पंपलेट बांटकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में डायल 112 के तहत तत्काल सहायता देने के प्रति जागरूक किया है और जनपद वासियों से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जनता की सुविधा के लिए 112 के प्रचार प्रसार हेतु ये जगह जगह ये कैनोपी लगाई गई हैं, जिससे कि जनता को ये मालूम हो सके कि उनके लिए शासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, पुलिस विभाग द्वारा क्या क्या उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे कि आम जनता इसका लाभ उठा सके और अपराध को नियंत्रित किया सके। साथ ही इसके साथ साथ वरिष्ठ जो जन है, हमारे वृद्ध जन है, दिव्यांग जन है, उनको भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो 112 कॉल करें और तत्काल पुलिस उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगी।
सुल्तानपुर के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता सांसद मेनका गांधी ने की है। इस दौरान जिले के विकास कार्यों पर चर्चा, अप्रैल में हुई बैठक के कार्यों की समीक्षा, अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश जारी हुए। उन्होंने मुख्य रूप से आवास विकास में कटे के केबिल कनेक्शन, जल निगम की खुदाई से टूटी सड़कों की मरम्मत, सौरमऊ गाँव से कूड़ा स्थल हटाने, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गौवंश आश्रय स्थल की विजिट कर वहां के हालात सुधारने के लिए निर्देशित किया गया। आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 को माननीय सांसद महोदया द्वारा दिशा की बैठक की गई प्रेरणा सभागार विकास भवन में। इसमें कुछ समस्याएं उठाई गई, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समस्याएं उठाई गई, और जो पूर्व में बैठक हुई थी, जो अप्रैल में बैठक हुई थी, उसमें भी जो कार्यवृत्त जारी हुई थी उसके अनुसार भी क्या कार्य किया गया, उसके भी कुछ बिंदु उठाए गए, जिसमें प्रमुखता माननीय सांसद महोदया द्वारा आवास विकास में जो केबल कटे थे, बिजली विभाग को केबल जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया, और जल निगम से शिकायत जो जनप्रतिनिधियों द्वारा करी गई कि इनके द्वारा रोड खोद दिए जाते हैं, फिर उनकी पूर्ति नहीं करी जाती, उनको पूरा एज इट इज़ नहीं किया जाता है। जो चेयरमैन नगर पालिका ने भी सवाल उठाया, तो जल निगम को निर्देशित किया गया कि भाई आपके द्वारा जो भी ऐसा कार्य किया जाए उसको एग्रीमेंट के अनुसार जो भी आपकी कंडीशंस हैं कि उसको पूर्णतः उसी स्टेट में ले आया जाएगा जहां से काम शुरू हुआ था, तो वैसा कराने के उनको निर्देश दिए गए। हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। ये हम चाहते थे शुरू से, मैं 4 साल से बोल रही हूँ कि हर गाँव में 1 एकड़ या 2 एकड़ के एक तगड़ा वन होना चाहिए। इसमें फ़ायदा पूरे गांव का होगा, पानी का भी निकास ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इस साल शायद वो डीएम को मिला है अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, जिसने फिरोजपुर में शायद एक एक वन में डाला है, एक एक गांव में एक एक वन डाला है, तो हम भी वही चाहते हैं। खबर लखनऊ से, जहां नववर्ष 2023 को लेकर शहरवासियों में उल्लास का माहौल है। नए साल के आगमन पर शहर के कई तरह की तैयारियां की गई हैं। 31 दिसंबर की रात 12 बजे नए साल, नए महीने का आगमन होगा। देश ही नहीं विदेशों में भी नववर्ष का उत्साह और जोश के साथ मनाया जाएगा। नववर्ष पर प्राइम टीवी के संवाददाता स्वानी सिंह से खास रिपोर्ट। स्मित सिंह पटेल, स्मित जी, आप इस बार न्यू ईयर जो आप 3 दिन बाकी रह गया है, तो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस बार कोविड भी आ गया है, तो उसका सब प्रिकॉशन लेते हुए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जैसे न्यू ईयर आ गया है, तो इससे मतलब कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है पहले से, कि मतलब पहले से प्लानिंग है कि हमें न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना है, लेकिन अगर आ ही रहा है तो फिर हम लोग दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मतलब पार्टी करते हैं, और कोविड आ रहा है लेकिन उसको हम लोग देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे, और सबसे मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग न्यू ईयर पे अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लें जा करके, और नए साल की शुरुआत करें अच्छे से, और आने वाले जो वक्त है उसके लिए सोचें, भविष्य के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगा, और सारे लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ। क्या चेंज करना चाहेंगे 2023 में, कुछ अलग सोचे हैं आप? कुछ अलग तो नहीं सोचा है, मगर हाँ एक एम है जिसको लेकर के आगे बढ़ना है, जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अच्छा। और काम करना है, और सरकार का निर्देश भी आ गया है कि थोड़ा अपने हिदायत से अपना न्यू ईयर्स बनाएं, और 2023 में क्या चेंज करना चाहेंगे आप? क्या चेंज करना चाहेंगे जी, बिल्कुल अपनी लाइफ में कुछ तो सर ऐसा न्यू, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, सब कुछ चाहते हैं लाइफ में कुछ अलग करें, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करें। डिसिप्लिन में रखना चाहेंगे अपनी लाइफ को। अच्छा, डिसिप्लिन में, देखिए अभी सर अभी तक नहीं था। हाँ, समय के साथ ये होता है कि और बेहतर हो जाए लाइफ हमारी, तो उसके लिए काम करना है बस। अच्छा, न्यू ईयर पे कोई सर ऐसा सेलिब्रेशन कुछ? हाँ, अभी हमने एक नया शोरूम अपना ओपन किया है, तो उसको मतलब सोचा है कि न्यू ईयर में उसको ओपन करना है। आपका नाम सर? रवि रावत। रवि जी, क्या चेंज करने जा रहे हैं 2023 में, और न्यू ईयर जो है किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कोविड भी आ गया है, और योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि अपना सेलिब्रेशन करें लेकिन अपना एक प्रिकॉशन और हिदायत में करें। जो उनके निर्देश हैं उनका पालन करेंगे जी। बिल्कुल कोविड आ रहा है, और पहले भी हम लोग 2-3 लेयर से गुजर चुके हैं। पास्ट में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो अब मैं खासकर ध्यान रखूंगा कि मास्क पहनूं,
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं, और मेन रेजोल्यूशन मेरा यही रहेगा कि मैं स्वास्थ्य पे अपने ध्यान दूं, वर्कआउट करूं और सारे नियमों का पालन करूं। हालांकि कोविड में योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, अब हाँ कुछ लापरवाही होती हैं, अचानक से इतना बड़ा एक पेंडेमिक आ गया तो उसमें दिक्कतें हुई, लेकिन अब प्रदेश की सरकार और प्रदेश की जनता जो है तैयार है इसको हैंडल करने के लिए। तो हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं, पैनिक सिचुएशन नहीं है, सब लोग रूबरू हो चुके हैं इससे, तो आराम से इसको हैंडल कर लें। इस बार 2023 तब दो आने में दो तीन दिन ही बाकी है, तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए, नया साल फैमिली के साथ बिताने का समय होता है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली। वेदर इज़ ऑल्सो ऑसम। लखनऊ में कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। सो हमारी फैमिली के साथ हम लोग सब बाहर आए हुए हैं। वी आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम। आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, तो इंदौर से आप लखनऊ आए सेलिब्रेट करने? हाँ, मैं इंदौर रहता हूँ। मेरी फैमिली, पेरेंट्स एंड अदर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर एट लखनऊ, दे आर एट इंदौर, सो दे हैव कम डाउन टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। तो सर, इस बार कोविड भी आ गया है और सरकार, योगी सरकार का आदेश है कि आप जो भी सेलिब्रेशन करो करो, बट एक आप प्रिकॉशन हिदायत में लेकर करो, तो सर उसको लेकर आपको क्या कहना है? एब्सोल्युटली, वहाँ पे तो केसेस अभी चाइना में तो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, हाइक हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ काफ़ी नेसेसरी प्रोटोकॉल्स सब लोग ले रहे हैं। हम लोग भी सैनिटाइजर कैरी कर रहे हैं, तो जिससे वी आर टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन। और वैसे अभी इंडिया में तो इतना ज़्यादा, ये जो नया वाला वेरियंट आया है BF.6.7, अभी ये वाला वेरियंट के केसेस जैसे लखनऊ में तो दो चार ही है, और वैसे जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो हॉस्पिटल्स में भी सेटअप और तैयारी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ पे कोई अभी इस तरह का चैलेंज है। बट हाँ, ज़रूरी है फिर भी कि जो ये जो लेट से अपने स्विमिंग पूल्स हैं और इस तरह की लोकेशंस में, क्राउडेड लोकेशंस में ना जाए, थोड़ा तैयारी तो रखना जरूरी है। बट देन यस, बाय एंड लार्ज वी आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल। तो सर 2023 में सर क्या चेंजेस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? देखिए, एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन रिजोल्यूशन, सबके अपने अपने होते हैं। वेल, मैं तो थोड़ा वेट रिड्यूस करना चाहूँ। गुड थॉट है सर। ओके, शुक्रिया सर। बच्चों, आप क्या कैसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो न्यू ईयर? क्या, कहाँ जाओगे एंजॉय करने? पार्टी कहीं करनी है? नहीं, पार्टी नहीं करनी है। नहीं, तो 31st को क्या करना है? एक रिवॉल्यूशन लेना है। क्या रिवॉल्यूशन लेना है ये सोचना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई में कुछ इंक्रेज करना चाह रहे हो, क्या सोचे हो? कुछ सोचना पड़ेगा अभी दो तीन दिन में। आप क्या करना चाहेंगी? इफ पॉसिबल मैं गोवा जाना चाहती हूँ। ओके, गोवा जाना चाह रहे हो। तो इस बार कोविड आ गया, उसको आप पूरा प्रोटोकॉल लेके तभी आप जाना और सेलिब्रेट करना। यस। चलो, आप क्या करना चाहेंगे मैम? न्यू ईयर के लिए। जी, न्यू ईयर के लिए क्या सेलिब्रेट? मैं खुशी दिल के साथ पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट। अच्छा, खुशी के साथ, आप हैप्पीनेस के साथ। ओके, चलिए, आप कोविड आ गया तो आप पूरा प्रोटोकॉल और प्रिकॉशन के साथ आप सेलिब्रेट करना। ओके ओके, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। सर, आप अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि कोविड भी आ गया है, योगी सरकार का पूरा निर्देश है कि आप अपना प्रोटोकॉल और प्रिकॉशन के साथ अपना जो न्यू ईयर मनाइए, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं, भले ही सब लोग जो है वैक्सीनेटेड है, बट स्टिल कोविड क्या रूप लेके आएगा, कोई भी जानता नहीं बात को। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सरकार से अपील रहेगा वापस लॉकडाउन और वैसा कोई सिचुएशन ना लगाए। शुक्रिया सर। मैम, आप कैसा सेलिब्रेट करना चाहेंगी अपना 2023, क्योंकि तीन दिन बाकी है, पूरा देश जश्न में, तैयारियों में डूबा हुआ, तो आप किस तरह से करना चाहेंगे? ऑलरेडी सेलिब्रेशन मोड में है ही हम जो इंदौर से आए हैं, एंड लखनऊ इज़ अ वंडरफुल प्लेस। आई रियली अप्रिशिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब लखनऊ हम सुनते थे तो कभी पता नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन रियली अप्रिशिएबल। मतलब कभी अगर सेटल होना चाहे तो गवर्नमेंट मैम, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सेलिब्रेट कर रही हैं अपना इस बार न्यू ईयर? बस लखनऊ में आके घूम फिर के बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूं। फैमिली के साथ? अपनी फैमिली के साथ। मैम, आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। किस तरह से इस बार सेलिब्रेट कर रही हैं न्यू ईयर, क्या आपकी तैयारी है, क्योंकि पूरा देश न्यू ईयर में तीन दिन अब रह चुका है और पूरे देश तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग फिर अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स सबके साथ में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सिटी घूम रहे हैं, यहाँ का फूड, लोकल फूड वो सब इंजॉय कर रहे हैं, एंड सारी ब्यूटी है इस सिटी की वो सब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैम, इस बार कोविड भी आ गया है, प्रोटोकॉल तो आप लोग को तो देखते हुए, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ी कमी रह जाएगी न्यू ईयर में?
नहीं ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर अपने सेफ्टी रूल्स का पालन कीजिए और अच्छे से मास्क लीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और इन्जॉय करिए जी। तो मैं आप कुछ चेंज करना चाहेंगे 2023 में, कुछ आप मोटिव है आपको 2023 में लेकर अपनी लाइफ को? अपनी एजुकेशन को पहले तो आगे बढ़ाना है, फिर और प्लस सोसाइटी में जैसे थोड़ा सा अवेयरनेस है समाज के लिए प्लस पहले। हाँ जैसे अभी हम लेके काफ़ी अच्छी मतलब सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है लखनऊ में, तो हम चाहेंगे कि लोग अवेयर रहें और जितना जैसे गंदगी रोड्स पे फैलाते हैं ना ये सब, जैसे हम लोग भी पार्क होके आए अभी, बट हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान रखा कि हम लोग कचरा इधर से उधर ना फेंकें, सब करें। आपका नेम? सावन। सावन जी, किस तरह से आप इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि कोविड भी आ गया है, निर्देश भी है सरकार की तरफ से कि अपना एक हिदायत में करिए एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो किस तरह से तैयारी है आपका? मैम घूमना फिरना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करके उसी प्रकार से घूमेंगे फिरेंगे और क्या। हर्षदीप यादव। हर्ष जी, क्या 2023 आने वाला है, 3 दिन अब बाकी है, क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से? और इस बार कोविड भी आने वाला है सर, कुछ तो केसेस आ भी रहे हैं, तो योगी जी का आदेश है कि अपना पूरा प्रिकॉशन और लेके अपना तैयारी करें सेलिब्रेट करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को जो भी कहा गया है उसको माने, और मतलब कोविड है क्योंकि उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? स्मित सिंह पटेल। स्मित जी, आप इस बार न्यू ईयर जो आप 3 दिन बाकी रह गया है, तो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस बार कोविड भी आ गया है तो उसका सब प्रिकॉशन लेते हुए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जैसे न्यू ईयर आ गया है तो इससे मतलब कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है पहले से। हरदोई के सिविलियन विद्यालय में बच्चों को सड़े चावल की तहरी लंच में परोसे जाने से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। पीड़ित बच्चों के परिजनों ने SDM से मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुर कुमार शुक्ला, प्रधान प्रेम सिंह के ने कोठेदार पर आरोप लगाया कि कोठेदार ने निजी लाभ के लिए बच्चों को जिंदगी से खिलवाड़ किया है। कोठेदार ने बचाव करते हुए कहा कि चावल की बोरी सील बंद थी, जैसे चावल मिला उसे स्कूल प्रशासन को सौंप दिया गया। SDM सदर स्वाति शुक्ला ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर को भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है, दोषी पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा के जसपुरा थाने क्षेत्र के रामपुर गांव के पतारी हार में वृहद के कपड़े नलकूप के बाहर पड़े बोरवेल में मिले हैं, जिसके बाद जब वृद्ध घर नहीं पहुंचा, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। घर से लापता वृद्ध के पड़ोसियों तथा गांव के लोगों ने बताया कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर घटना वाले दिन उसे के साथ मारपीट की गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि वृद्ध की बहू और दामाद के बीच अवैध संबंध थे, जिसका वह विरोध करता था। वहीं अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमको इन्फॉर्म किया गया था प्रशासन तरफ से, मेरे वाहिनी मुख्यालय को, वहाँ से पता चला कि यहाँ बोरवेल में कोई व्यक्ति जो है गिर गया, लगभग 65-70 फीट नीचे जाके आदमी फंसा हुआ है और वो उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। उससे बात भी किया गया लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। हरदोई में खेत पर गई महिला को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। महिला खेत पर गई थी, इसी दौरान पीछे से आए दबंगों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब महिला ने इसके विरोध किया तो दबंगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिससे महिला, उसकी बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं महिला और उसके बेटे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। पूरा मामला डंडियावा थाना क्षेत्र के बरौली का है, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द सी गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं खुशीराम, हम हरदोई आए थे काम से, और वो गई थी देखने हमारी औरत, और वहाँ पे वो लाठी डंडों से पीछे थे चक्कू से, और लाठी डंडों से मारने लगा। मैं खुशीराम। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।